गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मीनू माथुर विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है एलकेजी और चैप्टर है आपका नंबर 10 माय कलर बॉक्स का पार्ट नंबर 1। देखो आप अपने चारों ओर क्या देखते हो, डिफरेंट थिंग्स देखते हो, अलग अलग चीज़ें देखते हो और वो कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है ना। अब जैसे देखो आप देखते हो मिल्क, तो मिल्क किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है ना। और देखो और क्या क्या देखते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखते हो, जैसे कोई बैग है वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, आप कलर जो है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। और देखो स्काई किस कलर का होता है, ब्लू कलर का है ना। और मून जो होता है वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है ना, मून चांद, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखते हो, जैसे आपके क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। एप्पल किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। टोमेटो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना। और देखो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो कैसी होती है, ग्रीन होती हैं है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे स्पिनॉच, पालक ग्रीन होता है, मेथी ग्रीन होती है ना। लेडी फिंगर भी कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो आप देखते हो अपने चारों डिफरेंट डिफरेंट कलर की थिंग्स। अब आपको इस चैप्टर में ये ही देखना है, देखो रेड रोज अब आपको इसको पढ़ना भी सीखना है। देखो रेड रोज नंबर 1 आर ई डी रेड, और रेड क्या है, रोज है, रोज मीन्स गुलाब का फूल। नंबर 2 रेड, और क्या होता है रेड, आपको भी बताया था, रेड टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो क्या होता है, टमाटर। रेड रोज, रेड टोमेटो। और देखो एक चीज और होती है रेड, वो होती है एप्पल, रेड ए डबल पी एल ई, रेड एप्पल है ना। और देखो नंबर 4, अब देखो ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन क्या क्या हो सकती है चीजें, ग्रीन पैरट, पैरट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, पैरट मीन्स तोता, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और देखो नंबर 5 ग्रीन कलर की होती है कैबेज, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी है ना, सी ए डबल बी ए जी ई, कैबेज, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। और देखो नंबर 6 घास जो होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है, तो देखो जी आर डबल ई एन ग्रीन ग्रास, ग्रास की स्पेलिंग होती है जी आर ए डबल एस, जी आर ए डबल एस ग्रास, ग्रीन ग्रास। तो ये आपको पता लग गया ना, रेड चीजें और ये ग्रीन थिंग्स। और देखो येलो, येलो कलर की क्या क्या चीजें होती हैं, नंबर है 7। देखो येलो, येलो मीन्स कौन सा कलर होता है, पीला है ना, येलो मीन्स पीला। अब देखो येलो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, येलो येलो हो सकता है लेमन, नींबू, इसे क्या बोलते हैं, लेमन, एल ई एम ओ एन है ना। नींबू किस कलर का होता है, पीला ही होता है ना, येलो लेमन। और देखो नंबर 8 येलो रिंग, जो गोल्ड की रिंग होती है वो किस कलर की होती है, रिंग यानी अंगूठी, ये किस कलर की होती है, येलो होती है। और देखो मैरीगोल्ड का फ्लावर देखा है आपने, गेंदा या हजारा जिसे बोलते हैं, मैरीगोल्ड भी किस कलर का होता है, येलो कलर का, Y E L L O W, येलो मैरी गोल्ड, M A R I G O L D, M A R I
जी ओ एल डी मैरीगोल्ड भी किस कलर का होता है? येलो कलर का। तो देखो एक बार इन्हें रिपीट कर लेते हैं, रेड रोज, रेड टोमेटो, रेड एप्पल, ग्रीन पैरट, ग्रीन कैबेज, ग्रीन ग्रास, येलो लेमन, येलो रिंग, येलो मैरीगोल्ड। और देखो हम आपको कुछ और थिंग्स बताएंगे। नंबर 10, रेड ग्रीन और येलो आपने थिंग्स अभी तक देखी हैं। अब देखो नंबर 10, अब देखो ब्लू कलर की चीजें। नंबर 10, ब्लू। ब्लू क्या क्या हो सकता है? ब्लू इंक हो सकती है ना, रेड भी होती है पर ब्लू इंक, ठीक है, शाइन। और देखो नंबर 11, ब्लू। ब्लू जींस भी हो सकती है, JEANS, ब्लू जींस हो सकती है। और नंबर 12, ब्लू। ब्लू होता है स्काई, स्काई जो होता है वो स्काई ब्लू कलर का होता है, SKY। आसमान भी कैसा होता है? नीला ही होता है, ब्लू स्काई। अब देखो ब्लैक चीजें, ब्लैक, BLACK, ब्लैक मीन्स काला। तो ब्लैक क्या क्या चीजें हो सकती है? देखो ब्लैक शूज हो सकते हैं, SHOES। तो जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही हो पर ब्लैक शूज होते हैं। और देखो नंबर 14, ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग होता है ना, ब्लैक डॉग हो सकता है। और नंबर 15 है ब्लैक हेयर, हमारे जो हेयर हैं वो भी ब्लैक हो सकते हैं। तो ये हैं ब्लैक चीजें। अब देखो नंबर 16, व्हाइट। व्हाइट देखो क्या क्या चीज हो सकती है। व्हाइट सबसे पहले तो चॉक, जिससे हम लिखते हैं चॉक, वही व्हाइट कलर की है। देखो ये व्हाइट कलर की चॉक है ना, CHALK, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CHALK, व्हाइट चॉक। नंबर 17, व्हाइट मिल्क, दूध भी कैसा होता है? मिल्क कलर का होता है ना। और क्या होती है व्हाइट? व्हाइट कलर की आइसक्रीम भी हो सकती है। देखो आइस, ICE, आइस, CREAM, तो ये हो गई व्हाइट आइसक्रीम। अब देखो ब्लू इंक, ब्लू जींस, ब्लू स्काई। अब देखो ब्लैक शूज, ब्लैक डॉग, ब्लैक हेयर, व्हाइट चॉक, व्हाइट मिल्क और व्हाइट आइसक्रीम। अब देखो पिक्चर्स, देखो बच्चों ये है रेड रोज, रेड कलर का रोज। रोज जो होते हैं वो और भी कलर्स में होते हैं, जैसे ऑरेंज भी होता है, व्हाइट भी होता है ना, पिंक भी होता है, लेकिन ये रेड रोज है। और देखो रेड टोमेटो, टमाटर दिखाई दे रहा है ना, लाल लाल टमाटर, रेड टोमेटो। और देखो ये रेड कलर का फ्लावर है ना, तो आपने अब आइडेंटिफाई कर सकते हो रेड कलर की चीजें। अब देखो ग्रीन पैरट है ना, ग्रीन पैरट, बट इसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? रेड होती है ना। अब देखो ग्रीन कैबेज है और ये ग्रीन कलर का एक फ्लावर है। और देखो येलो रिंग है ना, चमकती हुई रिंग दिखाई दे रही है ना आपको, रिंग इतनी सुंदर है ना, येलो रिंग। और देखो मैरीगोल्ड, ये मैरीगोल्ड के फ्लावर जो है ये किस कलर के हैं? येलो ही हैं, है ना। और देखो येलो कलर, येलो कलर का एक फ्लावर दिखाई दे रहा है। और देखो ब्लू इंक, इंक किस कलर की है? ब्लू। ब्लू जींस दिखाई दे रही है आपको और ये ब्लू कलर का एक फ्लावर दिखाई दे रहा है। और देखो यू कैन सी ब्लैक शूज, ब्लैक शूज है ना ये। और देखो ब्लैक कलर का डॉग और देखो ब्लैक कलर का एक फ्लावर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपने देखी है कुछ पिक्चर्स। तो बच्चों आपको ये चैप्टर 10 माई कलर बॉक्स समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा।
है ना, आपको अपने घर में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है इसे अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है, और अपने घर पर भी जो चीज़ें हैं उनको बोलने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।